गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो देखो एक्सरसाइज 4.2 है हमारी। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर। तो इसमें देखो आपको ये जितनी भी लाइन सेगमेंट दे रखी है ना, इन सबको आपको मेजर करना है और रूलर से और डिवाइडर से। तो रूलर से तो आपको आता ही है, किसी भी आपको अगर लाइन सेगमेंट को अगर आप मेज़र करोगे तो कैसे करोगे, देखो रूलर से करिए। ये कितना है अपना 3.9 सेंटीमीटर, इसको करो 3 सेंटीमीटर। इसे हम करेंगे कितना आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। अब ये आपके लिए होमवर्क में है ना, इसे आपको करना है। इसके बाद है आपको देखो डिवाइडर से भी बोला है ना, तो डिवाइडर से भी मेज़र कर सकते हैं। डिवाइडर से सिर्फ आप ये पता कर सकते हैं कि विच लाइन इज़ लेस देन एंड विच लाइन इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। तो अब यहाँ तो अपना लाइन सेगमेंट है, तो विच लाइन सेगमेंट इज़ ग्रेटर देन विच लाइन सेगमेंट इज़ लेस देन। अब देखो ये डिवाइडर होता है अपना, इससे सिर्फ हम लेंथ मेज़र करते हैं। जैसे अगर ए बी हमने मेज़र करी, देखो इस तरीके से करेंगे ए बी, ए बी अपनी इतनी, इसको इतना ओपन कर लिया। अब देखो सी डी पर जाओ, सी डी इज़ द लेस देन ऑफ ए बी, पता पड़ गया अपन को। एंड एक्स वाई इज़ लेस देन ऑफ ए बी, ये भी पता हो गया। अब इसके बाद हम इसे अगर हम इन दोनों को मेज़र करते हैं, तो देखो पी क्यू और ए बी ये क्या है, आपस में इक्वल है। ए बी देखो ए बी पी क्यू इक्वल है ना, देन ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना पी क्यू। और अगर हम P और ये पी क्यू एक्स वाई की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखो पी क्यू इज़ लेस देन एक्स वाई, सॉरी वाई जेड, वाई जेड इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, क्योंकि देखो पी क्यू तो अपना इतना है लेकिन वाई जेड अपना कितना है, इससे ज़्यादा है। तो सिर्फ ये आपको मेज़र करना है, आपस में एक दूसरे का रिलेशन नहीं बताना, सिर्फ आप क्या करना है स्केल से इन सब के सेंटीमीटर आप मेज़र कर लेना ना, मार्क कर देना। इसके बाद है सेकेंड, मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर एंड डिवाइडर एंड राइट देम इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ। अब आपको क्या करना है, इसको मेज़र करो, ठीक है। और इसके बाद आपको मेज़र करना है और फिर आपको सिर्फ देखो इसमें रूलर और डिवाइडर का दोनों का यूज़ करना है, और असेंडिंग ऑर्डर में करोगे आप। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिवाइडर से करेंगे, तो देखो डिवाइडर कितना हो जाएगा अपना ए बी। अब देखो ए बी जी एफ इज़ अ ग्रेटर, जी एच इज़ अ ग्रेटर देन ऑफ ए बी, तो सबसे स्मॉल क्या है अपना ए बी, फिर लेस देन जी एच। अब देखो जी एच और जी एच के बाद कितना है अपना, अब जी एच को करो है ना, जी एच को मेज़र करो आप। जी एच इज़ लेस देन टू सी डी, सी डी से स्मॉल है ना, इज़ लेस देन टू सी डी। अब देखो सी डी को भी अगर हम मेज़र करेंगे, सी डी ये है, अब देखो ई एफ, ई एफ इज ग्रेटर देन सी डी, देन सी डी इज लेस देन ई एफ, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ये आ गया, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। और आप अब क्या करोगे, रूलर से भी इनको क्या करोगे मेज़र। तो जैसे इसको किया हमने, ये कितना आया अपना 1.8, ये अपना हो गया 1.8 सेंटीमीटर। इसकी बात करो, ये अपना 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपके 1.2 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया अपना 2.2 सेंटीमीटर। तो हमने वही ए बी इज़ लेस देन टू जी एच इज़ लेस देन टू सी डी इज़ लेस देन टू ई एफ, इस तरीके से कर लोगे आप। और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी हो गया है। इसके बाद देखो थ्री, विदाउट मेजरिंग देयर लेंथ आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट। अब आपको विदाउट मतलब डिवाइडर स्केल की आपको बताना है कि विच लाइन इज लॉन्गेस्ट लाइन। तो इसको हम क्वेश्चन को बुक में आप देखो, सबसे पहले अगर आपको अगर ऐसे हम देखें तो जी एच इज़ अ लॉन्गेस्ट लाइन दिख रही ना आपको इन सब में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसी लैंग्वेज देखिए। आंसर हम लिखेंगे द लाइन सेगमेंट अपनी कितनी थी जी एच,
seems to be the longest one. ये आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको आपने ऐसे देखा, ऑब्जर्व किया, और आपके क्या है, आपके ऑब्जर्व करने पर देखो ये चीज़ें लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, बाकी सब उससे स्मॉल दिखती हैं, बस ऐसे लिख देंगे हम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, मार्क अ पॉइंट सी ऑन ए बी, लाइन बिटवीन ए एंड बी, वेरीफाई दैट ए सी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी बी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्रॉ करनी है ए बी एक लाइन सेगमेंट, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं अपन। ए बी अ लाइन सेगमेंट एंड सी इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन ए बी, तो सी हमने कहीं पर भी मान लेना है, ये सी है। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, ए सी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी बी। वेरीफाइड इट है ना, वेरीफाई इट, अब इसको अपन को वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, हम ए बी इज लाइन सेगमेंट एंड सी पॉइंट ऑन इट, ठीक है, सी पॉइंट इस पर है, या लाइन ऑन ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। सो हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, देखो ए बी किससे मिल करना है, ए सी प्लस सी बी से, इसे हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको तो वेरीफाइड ये करना है ना, हमें ये लेके आना है, तो हम क्या करें, सी बी हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट बोथ साइड, सब्सट्रैक्ट बोथ साइड सी बी, तो देखो ए बी माइनस सी बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी माइनस सी बी, ये तो हो गया हमारा ए बी माइनस सी बी, और ये कितना हो जाएगा ए सी, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आया हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी बी, वेरीफाइड हो जाएगा, वेरीफाइड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ पी क्यू आर आर थ्री कोलिनियर पॉइंट सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन पॉइंट लाइन बिटवीन द अदर टू। अब आपको ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, देखिए अब देखिए, अब हमें इसका मिड पॉइंट बताना है कि विच पॉइंट इज अ मिड पॉइंट अदर टू। तो अब आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ग्रेटेस्ट लाइन सेगमेंट क्या है अपनी, पी आर, तो सबसे पहले आप पी आर ड्रॉ करो, कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो देखो 8 सेंटीमीटर ही हो गया ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट अपना 8 सेंटीमीटर हो गया सिर्फ यहाँ तक, इसे हम क्या बोलेंगे पी, और इसे हम बोलेंगे आर, सिर्फ ये पॉइंट है पी आर, कितना है अपना 8 सेंटीमीटर। देन पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर, तो अब देखो पी क्यू आर दे ऑल आर कोलिनियर, सो वी नो द क्यू इज ऑल्सो ऑन द लाइन पी व पी आर एंड 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर द पॉइंट इज दिस 6 सेंटीमीटर, दिस इज पी क्यू, पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर, देन क्यू आर इज 2 सेंटीमीटर, आपको पता है पी आर इज 8 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर, सो पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और अगर आप मेज़र भी करेंगे तो ये देखो मेज़र करेंगे 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन इन दिस डायग्राम यू सी दिस क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी एंड आर, हम आंसर लिख देंगे बस, पॉइंट Q lies between the P and R point.
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो पॉइंट क्यू लाई बिटवीन द अदर टू पॉइंट, देखो अदर टू पॉइंट कितना है पी और आर है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी लैंग्वेज है, आपको जैसे लिखनी हो वैसे लिख सकते हो। इसके बाद है सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको क्या है बुक में देखते हैं पहले। देखो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, मेजर द साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल, चेक इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो आपको ये ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मेजर कीजिए, मेजर करने के बाद फिर हम टू साइड का सम करेंगे, अगर वो थर्ड साइड के क्या होना चाहिए, हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसको मेजर करते हैं अपन, ये कितना है अपना 2.5 सेंटीमीटर, क्यू आर, क्यू आर है अपना 1. कितना आ रहा है दिख नहीं रहा, 1.9 लिखते हैं, 1.9 सेंटीमीटर। एंड पी आर 3.6 सेंटीमीटर। अब हमें इसे क्या करना है, हमने मेज़र किया, अब मेज़र करने के बाद आपको क्या करना है, टू लाइन का सम थर्ड, मतलब टू लाइन सेगमेंट का सम थर्ड लाइन सेगमेंट से क्या होना चाहिए आपके ज़्यादा। इसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्राइंगल में पी क्यू इजिकल टू 2.5 सेंटीमीटर मेज़र किया है, देन क्यू आर इजिकल टू 1.9 सेंटीमीटर एंड पी आर इजिकल टू 3.6 सेंटीमीटर मेज़र हो गया। अब हमें करना है टू साइड का सम थर्ड साइड से क्या होना चाहिए ग्रेटर, तो वेरीफाई करते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, हम क्या करेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, ये होना चाहिए। अब देखते हैं पी क्यू 2.5 प्लस क्यू आर 1.9 इज ग्रेटर देन पी आर 3.6 होगा, ऐड करो 4.4 इज ग्रेटर देन 3.6, केस फर्स्ट अपना प्रूफ हो गया। सेकंड अब हम क्या लेते हैं, अब हम लेंगे पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन टू क्यू आर, तो पी क्यू कितना है 2.5 प्लस पी आर है अपना 3.6 इज ग्रेटर देन टू क्यू आर है 1.9, तो ऐसे दिख रहा है आपको, फिर भी आप कीजिए 6.1 इज ए ग्रेटर देन 1.9 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में आपके ना। इसके बाद थर्ड केस, अब हम क्या लें, अब हम लेंगे क्यू आर प्लस पी आर इज ग्रेटर देन टू पी क्यू, ये कितना हो जाएगा क्यू आर है 1.9 प्लस पी आर है 3.6 इज ग्रेटर देन पी क्यू 2.5, ऐड कीजिए 5.5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम अपने प्रूफ कर दें, अब इससे क्या हुआ हमारा, सो दस सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हमारा क्वेश्चन सिक्स कंप्लीट हो गया, साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई है, आपको इसको करना है ठीक है, तो कॉपी में साथ के साथ करते जाइए ताकि आपके पास बाद में ज़्यादा बर्डन ना हो। तो आपके वीडियो अपने यहीं पे कंप्लीट करते हैं।